आठ बजे बोलाएर यहाँ पुरै 10 बजे लागिसक्यो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो स्वागत है हम लोग का और एक नया वीडियो पे। सो आज बेसिकली क्या है, नेपाल का न्यू ईयर। सो जतिजना पनि नेपालबाट हिँड्नु भएर छ सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर होइन। आई विश कि सबैको अब पहिलाको इयर जे जस्तो भए पनि अब यो इयर चाहिँ सबैको राम्रो होस् र मेरो पनि राम्रो होस् भनेर एउटा जस्ट कमेन्ट गरिदिनु न हजुरहरूकोबाट मनबाट होइन। ओके, और बाहर से भी जितना भी देख रहे हो और हम लोग नेपाल के नेपाली लोग के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को भी। हाँ, अब आज है नेपाल का न्यू ईयर, लेकिन बाकी सभी दुनिया का तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बेसिकली आज का प्लान क्या है, ऐसा मेरे को कहीं जाने का प्लान तो नहीं था क्योंकि पैर अभी भी स्टिल पेन कर रहा है मेरे को, है ना, दिक्कत दे रहा चलने के। और जस्ट प्लान क्या है, एक भैया का, मनीष भैया और राज भैया का नया स्टूडियो खुल रहा है, ओपनिंग में बुलाया हुआ है, इसीलिए जाना पड़ेगा वहाँ पे। बस देखेंगे थोड़ा सीन कैसा है, थोड़ा देर रहेंगे, उसके बाद बस रूम में बैठेंगे, चिल करेंगे, भाई लोग भी आएगा रूम। और आप आज दिन भर क्या करने वाले हैं, न्यू ईयर में क्या प्लान है, आपको सारा चीज दिखाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, कीप स्टिल, सारा देखते रहिए एंडिंग में। और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा जितने भी नए व्यूअर्स हो, प्लीज। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर रहा मेरा गाड़ी और वॉश भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि लाइक अभी पैर भी नहीं चल रहा है अच्छे से, तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। जस्ट इसको जल्दी ठीक होने के बाद जल्दी से वॉश भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लीन करना है मेरे को उसको। लेकिन कल आई थिंक बारिश किया है ना, तो बस थोड़ा थोड़ा क्लीन हो चुका है, लेकिन अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा इसको। चलो मिलते हैं आपको स्टूडियो पहुँच के, नया वाला स्टूडियो दिखाएंगे। यस, मलाई पारा ठिक लाग्यो नै, अनर अनर नै यहाँ लेट छन् पुरै होइन। यहाँ 8 बजे बोलाएर यहाँ पुरै 10 बजे लागिसक्यो। बिताउँछौ मलाई त, यो के गर्नु, हामी यहाँ स्टुडियोमा अघिदेखि 2 घन्टादेखि वेट गरेर छौँ कि होइन, के कसो दाइ भन्नु त, टाइमिङ ठिक छ भन्नु न, ठिक छ अरे, यो भएन है यस्तो। दुईटा शब्द जाओ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। Mr. Lai in the house! So, dai, kasto lagirahecha tapaile aafnai studio ma feri wapas aayeko ma? Happy New Year, dai! Ke bolis? Ke bolis bhai aile bhai? Shritika didi. Kya bola tu bol? Shritika didi. Wo to maalum hai. Mere ko to maalum hai ye Shritika didi. कुछ तो बोला है इसने, बोल दे, चलता चलना चाहते हैं यहाँ पे, ये थम मत दिखावे। सो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ, उसके बाद क्या प्लान होगा, क्या प्लान है बोल, क्या है प्लान। अच्छा, जो 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 होगा वो दिखाएंगे आपको, आप रूम जाएंगे क्या क्या बनाए खाएंगे उसको आपको दिखाएंगे। देख रहे हो इन लोगों का काटने का तरीका देखो, इन लोगों को तो ना इन लोगों को पूरा चॉक बोर्ड चाहिए काटने के लिए, मतलब मैं चॉपिंग बोर्ड। फिर
अलिक गाउँले भाइ पनि लिन्छु क्या. आई मिन मैं थोड़ा गाउँले भाई भी लेता हूँ, इसलिए मेरे पास वो गाउँले चूल्हे सी होता ना उससे काटता हूँ, इसलिए मेरे पास नहीं है चाकू. अब इन लोग को देखो मेरे बाल्टीन में क्या कर रहा है, एक इधर काट रहा है. अरे ये और हम लोग रूम आ चुके हैं, अभी क्या करने वाले आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद. क्या करेंगे, मस्त खाना बनाएंगे. क्या बनाएंगे, चिकन विकन बनाएंगे और मस्त खाएंगे. आपको भी दिखाएंगे थोड़ा सा जो कि ब्लॉग में आ जाएगा, तुम लोग देख लोगे. मस्त से कटे, मस्त से हाथ ना काटियाना भाई. नरु ना बाबू नरु, बिचारा ये रो रहा है इसकी आँख. इधर ये तो इधर मत रो, मत रो, मत रो बे. इधर देख चले कैमरा मैन पी का पैर वैसा. तब मैं लोग आगे बने रहे ना तो छोड़ दे तेरा दाय भेजना है अपने को. इतना कर रहा है मैं ही कर दूँ, मैं ही कर दूँ तेरे बात को. मैंने इसका आंसू इतना ज़्यादा आ रहा है ना, बस कर. सो देख सकते हैं हम लोग क्या क्या बनाए. चिकन राइस और यहाँ पे ठंडा है और यहाँ पे दाल भी है, देख सकते हैं हम लोग को. ए कैसा है इधर देख, मासू राम्रो बनाउनु भएको छ दाइ. हो पक्का हो, ठीक छ इन्जोय गर. फुड इन्जोय गर्दै आज यसो घुम्न जाउँ भनेको छ. कहाँ जान्छ घुम्न? प्र्याक्टिस गर्न जाने आइडिया छ. आज म भन्छु लागिरहे नि. बोल के भन्छु. आफ्नो आफ्नो घर जाउँ. के भन्छ त कुछ बोल दे भाई. अखिल भइसक्यो अब, अखिल बनाएछ मलाई. भाई लोग तो चला गया, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं बस रेस्ट करना है मेरे को, क्योंकि ज्यादा अब कहीं जा भी नहीं सकते पैर की वजह से. मैं से रेस्ट करना है, फिर कल से क्लास स्टार्ट होने भी वाला है, इसलिए ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे. जितना हो सके बॉडी को रेस्ट देंगे तो बेस्ट है, क्योंकि लेग्स में ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वो और होता ना वो दर्द बढ़ेगा और वो घाव भी बढ़ जाएगा, इसीलिए जितना हो सके रेस्ट करते हैं. और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपको, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद शाम को मिलते हैं आपको. ओके अभी ऑलमोस्ट 3:00 होने वाला है. ऐसा ही जा रहा है मेरा न्यू ईयर, चलता ही जा रहा है. न्यू ईयर का स्टार्टिंग फर्स्ट डे ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये साल कैसा होने वाला है. जैसा भी हो पॉजिटिव रहना है, बस पॉजिटिव रहना है और आगे काम करते रहना है बस.